नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बिजली घर के अंदर यानी कि सब स्टेशन के अंदर लाइट किस चैनल से होकर के हमारे बस से होते हुए ट्रांसफार्मर तक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी लाइन जो होती है टावर के माध्यम से इनकमिंग सोर्स होता है, वहाँ से आती है और ये लाइन सबसे पहले जो होती है हमारे बिजली घर के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर एल ए सबसे पहला सोर्स जो होता है इनकमिंग पे एल ए का होता है। एल ए काम क्या होता है कि जैसे आकाशीय बिजली से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। आकाशीय बिजली इतनी हाई वोल्टेज में होती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को डैमेज भी कर सकती है, इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एल ए लगाते हैं। एल ए क्या करता है कि जैसे हाई वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देता है ये अर्थिंग के माध्यम से। इसके बाद होता है पी टी, फिर होता है सी टी, यानी कि एल ए फिर पी टी फिर सी टी। पी टी से वोल्टेज मेजर कर देते हैं, सी टी से करेंट को मेजर करते हैं। इस माध्यम से चलते हुए फिर हम पहुंचते हैं लाइन साइड एक्चुलेटर, लाइन साइड एक्चुलेटर पहुंचते हैं। एक ट्रांसफर बस होता है जिस पे हम देखिए टेंडम एक्चुलेटर है, आपने शायद देखा होगा। टेंडम एक्चुलेटर काम कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें कम स्पेस हो और एक्चुलेटर लगाना हो तो वहाँ पे हम टेंडम एक्चुलेटर के प्रेफर करते हैं। टेंडम एक्चुलेटर कम जगह में लग जाते हैं। इसके आगे होता है और कम जगह में प्लस ये डायरेक्ट बस के नीचे यूज कर लेते हैं, बाकी एक्सीलेटर सीधे बस के नीचे यूज नहीं हो पाता है, लेकिन टेंडम एक्सीलेटर कम जगह में बस के नीचे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इसके बाद लाइन साइड एक्सीलेटर होता है, लाइन साइड एक्सीलेटर से होते हुए फिर ये ब्रेकर पे आता है, ब्रेकर से फिर बस साइड एक्सीलेटर, बस साइड एक्सीलेटर से बस पे चला जाता है, मेन बस पे। यानी कि जो बस की तरफ एक्सीलेटर होता है उसे बस साइड का एक्सीलेटर बोलते हैं, जो लाइन की तरफ होता है जो उसे लाइन साइड एक्सीलेटर होते हैं। दोनों एक्सीलेटर के बीच में हमारा ब्रेकर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, लाइन को ऑन और ऑफ करना। यहाँ से हम ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तो हमारी सप्लाई वहाँ से आगे नहीं जाएगी और हम फिर उसके बाद ही एक्सीलेटर को खोलते हैं। पहले ब्रेकर अगर सप्लाई बंद करना हुआ तो ब्रेकर को खोलने के बाद ही हम एक्सीलेटर को खोलेंगे। इस माध्यम से फिर हमारे मेन बस पे जाता है, फिर मेन बस से होते हुए फिर यहाँ से फिर आउटपुट निकालते हैं हम, जैसे कि फिर ट्रांसफार्मर को देना होता है तो फिर बस साइड एक्सीलेटर लगाते हैं, फिर ब्रेकर लगाते हैं, फिर लाइन साइड एक्सीलेटर लगाते हैं। लाइन साइड एक्सीलेटर लगाने के बाद सीटी आता है, सीटी के बाद सीटी को सीरीज में लगाते हैं, आपको पता है। फिर यहाँ पे एल ए लगता है। सबसे जो सब स्टेशन के सबसे अंदर महंगी चीज़ें होती हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ट्रांसफार्मर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दोनों तरफ इसके एल ए लगाते हैं, एसबी साइड और एलबी साइड। और इस एल ए के बाद ये बूसिंग से होते हुए ट्रांसफार्मर में सप्लाई चली जाती है। इस तरह से हमारी 132 के भी आती है। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर क्या है, ये हमारा 40 MVA का ट्रांसफार्मर है जो 132 से 33 KV में कन्वर्ट कर देता है। अभी फिर यहाँ देखिए एलबी साइड एल ए लगा हुआ है, उसके बाद फिर सीटी, फिर ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर ये चला गया बस पे, एलवी साइड के बस पे। इस चैनल से होते हुए हमारी सप्लाई जो है बिजली घर के अंदर आती है और ट्रांसफार्मर से होते हुए एलवी साइड के बस तक पहुंचती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।